हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और सीओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाउन हॉल 9 के वॉर अटैक्स, जो कि बिच स्लैब में आपको दो रिप्लेस दिखाऊंगा। दोनों 3-3 स्टार काफी ओवर पावर्ड ये यहाँ पर अटैक होता है टाउन हॉल 9 पर। इजीली आप किसी भी टाउन हॉल 9 को 3 स्टार कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप टाउन हॉल 9 के क्लैशर हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको नितिन एम्पायर नाम से जो हमारे क्लाइंट मेट है उनके रिप्लेस दिखाने वाला हूँ। उन्होंने दोनों विच स्लैप अटैक किए, दोनों ही 3-3 स्टार के। आप देख सकते हो नंबर 27 पे थे और मैंने इन्होंने फर्स्ट अटैक नंबर 17 पर किया, देन वो यहाँ पर 3 स्टार अटैक था। आप देख सकते हो इस टैक पे टाउन हॉल 9 में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉर में देखने को मिलेगी। टोटली मैकग्राउंड बेस है, विथिन अ 2 मिनट इन्होंने इस वाले बेस को 3 स्टार कर दिया। यहाँ पर इन्होंने 4 विच डाउन कर दिया एंड 2 हीलर, सेम इधर इन्होंने किया 4 विचेज एंड 2 हीलर। तो आपको ये करना है, 2 विच इन्होंने यहाँ डाउन करी एंड 2 विजार्ड, देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक जंप स्पेल यहाँ पर डाउन करी, एक जंप स्पेल यहाँ पर डाउन करी। आप देखिएगा पूरा सेंटर ऑफ द बेस में जाने का रास्ता इन्होंने क्लियर कर दिया, 2 जंप स्पेल। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 जंप स्पेल्स का यूज करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो फिर सीसी के अंदर इन्होंने बोल्डर्स लिए, देन आप देख सकते हो यहाँ पर इनका सीसी बाहर आ चुका है। तो सीसी के लिए इन्होंने डबल पोजन लेकर आया था, सीसी का स्लो कर दिया, देन क्वीन एंड विच ने यहाँ पर इजीली क्लियर कर दिया यहाँ पर सीसी को एंड यहाँ पर रेज ड्रॉप करी। देन साइड से विचेस काफी अच्छा वर्क करेगी, आप देख सकते हो विचेस सही जाएगी, विचेस का भूल जाना, हीलर्स मर भी जाए तो भी। मेन सेंटर ऑफ द बेस में इन्होंने बॉलर से क्लियर करा, 1-2 विचेस भी सेंटर में चली गई। तो जो मेन कोर था इनका, सेंटर ऑफ द कोर था, वो इजीली क्लियर हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो। एंड अभी भी क्वीन की एबिलिटी बाकी है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो पूरा बेस लगभग मैक्स आउट था एंड आधे से ज्यादा क्रश हो चुका है। यहाँ पर आप हीलर्स को देख सकते हो, ये गोलम को पावर दे रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हीलर सुधर गई। बट विचेस यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पर इस तरफ आपको 2 या 3 एंड चारों की चारों विचेस जिंदा है एंड उस तरफ अब 1 विच बची है एंड सेंटर में भी 1-2 विचेस है। तो काफी ज्यादा विचेस अभी काफी अमाउंट में बची है, बोलर अभी तक डेड नहीं हुए। इधर गोलम स्क्वाड करके रखा है, तो यहाँ पर गोलम को टारगेट कर दिए, कैनन भी एंड पीछे से विचेस इजीली क्लियर कर दिए, काफी ज्यादा स्केलेटन्स हो गए, तो इजी क्लियर हो गाइस। एंड विद इन 2 मिनट इस बेस को 3 स्टार कर दिया विथ विच स्लैब। तो गाइस टाउन हॉल 9 के अगर आप क्लियर हो तो यहाँ पर आपको काफी देखने वाली बात होती है कि आप अगर विच स्लैब करते हो तो ये काफी ओवर पावर ट्रूप है विच टाउन हॉल 9 के हिसाब से। अगर आप इनको सही से यूज करते हो तो डेफिनेटली आप हर बार 3 स्टार निकालोगे वॉर में। एंड देख सकते हो अभी यहाँ पर 4 विचेज है, इतने सारे स्केलेटन्स है, देन अभी भी विच स्लैब चल रहा है। तो देन अभी गोलम गया, गोलम को स्क्वाड कर रखा है गोलम ने, तो इजीली विचेस यहाँ पर क्लियर कर देगी। एक ही गोलम लेकर आया जो भी पूरे बेस में अभी तक किल नहीं हुआ एंड बेस के एंडिंग तक यहाँ पर गोलम रहा, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है यार। एंड अब स्केलेटन्स आ चुके हैं अंदर की तरफ एंड इजीली क्लियर कर देंगे। एंड आप देख सकते हो कितने अमाउंट में हमारे पास ट्रूप है, 12-12 की विच होती है, तो 4 विच 1 गोलम अभी भी स्टिल अलाइव था एंड इन्होंने 3 स्टार कर दिया। तो काफी अच्छा ये बोल रहा वॉर अटैक अगर आप यूज करते हो तो। चलिए अब बढ़ते सेकंड रिप्ले की तरफ, वो भी उन्हीं का ही रिप्ले, उन्होंने एक और विच स्लैब अटैक किया था, वो भी 3 स्टार अटैक था, वो भी काफी अच्छा डिफेंस बेस था टाउन हॉल 9 का। इस तरीके वैसे आपको काफी देखने को मिल सकते हैं, बट ये ग्राउंड अटैक है दोस्तों, इसका एयर डिफेंस कमजोर है, बट ग्राउंड आप देख सकते हो मैक्स है, वॉल्स भी काफी अच्छे लेवल की है। सेम इन्होंने वही किया, 4 विचेस 2 हीलर उन्होंने ऊपर की तरफ ड्रॉप करी एंड सेकंड इधर इस वाले कॉर्नर में भी उन्होंने सेम ड्रॉप करा, तो विचेस के पीछे हीलर छोड़ दी। देन एक गोलम आया, गोलम के पीछे 2 विचेस एंड 2 विजार्ड भी अभी ये यहीं पर ड्रॉप करने वाले, आप देख सकते हो गोलम काफी अच्छी स्कोर करके गया आगे। एंड यहाँ पर अभी ये देखते हैं जंप स्पेल इनके पास 2 है, ये जंप स्पेल कहाँ पर यूज करते हैं, कॉर्नर से क्लियर हो रहा है, इन्होंने एक जंप यहाँ यूज करी है क्या, तो जो 2-2 जंप स्पेल ये लेकर आते हैं यूज कर ली इन्होंने। एंड विच अभी इन्होंने क्वीन अभी तक ड्रॉप नहीं करी, वो थोड़ा यहाँ पर फनल क्रिएट कर रहे थे ताकि क्वीन को जब ड्रॉप करे वो सीधा सीसी को किल करने जाए और कहीं नहीं जाए। पीछे से इन्होंने बोलर एंड आप देख सकते हो यार यहाँ पर रेज एंड क्वीन पर भी रेज है एंड काफी इजीली सीसी किल कर देती है क्वीन, कोई दिक्कत नहीं होती सीसी की, आप टेंशन मत लीजिएगा इस अटैक में, डबल पॉइजन लेकर जाइएगा इजीली सीसी किल हो जाएगा। देन आप देख सकते हो यार बॉलर जब सेंटर में चले जाते हैं तो बॉलर बहुत ही अच्छा अटैक करता है, आप देख सकते हो यार सारे के सारे बॉलर जिंदा है, किंग ने आगे स्कोर करके रखा है, गोलम भी एक अभी स्टिल अलाइव है। तो गाइज अभी देख सकते हो गोलम अभी ये बेबी गोलम बचा है, बट फिर भी यार गाइज ये अच्छा अटैक था। विचेज अभी देख सकते हो कॉर्नर में, इधर भी 4 विचेज है, इधर भी
थ्री विच एक डाई हो गई, बट यहाँ पर अभी बॉलर एंड क्वीन बची है, इनका सारा डिफेंसिस तो लगभग एंड हो चुका है। एंड आप देख सकते हो बॉलर अभी तक भी एक क्वीन की एबिलिटी इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप करी, बॉलर अभी तक किल नहीं हुए, तो देख सकते यार कितना अच्छा हीलर्स वर्क कर रही है यहाँ पर, इजीली इस बेस को थ्री स्टार कर देगी यहाँ पर क्वीन एंड बॉलर्स। एंड ओ नो जाइंट बॉम आया, बट उसके बाद भी क्वीन की हेल्थ अभी भी स्टिल बची हुई थी। एंड इस तरफ भी आप देख सकते हो स्लैप में विच वॉक चल रहा है, उधर की तरफ भी चल रहा है, तो अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि इजी थ्री स्टार है। तो अगर आप विच स्लैप अटैक यूज करते हो वॉर में तो काफी इजी आपको थ्री स्टार दे सकता है अगर आप टाउन हॉल 9 के क्लेशर हो। तो क्या ये थी एक टाउन हॉल 9 के वॉर अटैक्स की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था तो काफी जनों ने मेरे को बोला था टाउन हॉल 9 पर वीडियो बनाओ वॉर अटैक्स की, तो मैं आज ये लेकर आ गया। तो कहीं अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए जिस भी टाइप की चाहिए मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो या वॉर अटैक्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बिकॉज मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो यार डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, अगर बेल आइकन बजाओगे तो यार मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो सबसे पहले आप आकर देख पाओगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।